राम राम जी सारे ने। इस वीडियो में मैं आपने बताऊंगी यो बैग बनाना। यो बैग मैंने सूट के बचे हुए कपड़े में से और जो सूट के अंदर जो फोम आती है उस फोम को यूज़ करके बनाया है। तो सूट का कपड़ा बचा हुआ भी यूज़ हो गया और सूट के अंदर जो फोम निकलती है पैकिंग के टाइम वो फोम भी यूज़ होगी। तो इसके लिए सबसे पहले फोम का वो टुकड़ा लेना है और उसको 12 इंच, अब साइज के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैंने लिया है 12 इंच के दो टुकड़े, ये जिसकी चौड़ाई 8 इंच है और लंबाई मैंने 12 इंच ली है। तो ये दो टुकड़े मैंने कट कर लिए। अब उस फोम के दो टुकड़े कट करने के बाद इसको चारों तरफ से नाप लेते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई टोटल कितनी हुई। तो ये 12, 12 दूनी 24 और 24 के बाद ये एक तरफ से ये 32 हो गया है, 8 इंच यानी कि 8 32 के बाद फिर दूसरी साइड से नाप लेते हैं, ये हो गया हमारा टोटल 41 इंच। तो ये चारों तरफ से जो इसकी लंबाई चौड़ाई है वो है 41 इंच। 41 इंच की हमने एक पट्टी काटनी है जो चारों तरफ लगानी है। तो उसके लिए हमें चैन की भी ज़रूरत होगी। तो जो चैन लगानी है उस चैन को लेना है और 41 इंच में से उस चैन की जितनी लंबाई है वो कम कर देनी है। तो चैन की सबसे पहले ये देखो लंबाई कितनी है, जितनी बड़ी चैन लगानी है वो ले लो। इस चैन की लंबाई है 16 इंच, तो 41 इंच में से 16 इंच कम कर देना है। जैसे ये 41 इंच है, ये चैन की लंबाई होगी, तो कितना बचा 25 इंच। तो बाकी जो पट्टी बची है वो है 25 इंच की। तो 25 इंच की पट्टी हमने फोम के जो दूसरा हिस्सा है जिसे दूसरे सूट में से निकला है, मैंने 2-3 ये फोम इकट्ठे कर लिए थे, तो उस दूसरे हिस्से में तो मैंने 25 इंच की पट्टी कट कर ली। बाकी चैन होगी लंबाई में और ये पट्टी होगी। अब ये जो फोम मैंने काटा है इसकी जो ये पट्टी है 25 इंच वाली, इसकी चौड़ाई भी हमने और चैन की चौड़ाई भी बराबर रखनी है। तो चैन की चौड़ाई को कपड़ा लगा के बढ़ा लेंगे, पट्टी की चौड़ाई इतनी ही रहेगी। इसमें कपड़ा लगा कर मैं इसकी चौड़ाई बढ़ा दूंगी, वो मैं अपना आगे दिखाऊंगी। अब ये है सूट का बचा हुआ कपड़ा। इस बचे हुए कपड़े के दो पीस काटने हैं जो फोम ली थी उसके साइज की। दो पीस फोम के काटे थे, दो ही पीस इस कपड़े के काटो जो अपना मेन कपड़ा बनाना है। और ये कपड़ा मैं अंदर की साइड लगाऊंगी, तो इस कपड़े के भी दो पीस ही काटने हैं। और ये जो पट्टी है 25 इंच की, इस पट्टी के भी दो ही कपड़े काटने हैं 25 25 इंच के, एक मेन कपड़ा और एक जो अंदर लगाया जाएगा वो, दोनों 25 25 इंच के इस पट्टी के नाप की चौड़ाई लंबाई के हिसाब से कट करने हैं। तो ये देखिए सारे पीस आ गए, तीन तीन हो गए। अब मैंने इसमें बाद बनाने खतर भी बना लिया है। अब इसमें तीनों पीसों को आपस में फोम अंदर वाला कपड़ा और मेन कपड़ा जोड़ के अंदर सिलाई लगा के इनको सबको रेडी कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, इसमें से एक हिस्सा लेना है और उसके बीच में निशान लगा देना है। जैसे 12 इंच का जो मैंने इससे निकाले थे पीस, उसमें से दोनों पे बीच में निशान लगा देना है, सेंटर में। सेंटर में निशान लगाने के बाद सेंटर से 3 इंच आगे और 3 इंच पीछे की तरफ, यानी कि सेंटर बीच का निशान बीच में रखना, 3 3 इंच दोनों तरफ निशान लगाना है दोनों हिस्सा में। और उन पे हमने जो ये स्टेप या फिर बादी जो बैग में होती है, वो बैग की जो बादी है वो इसमें सेट कर देनी है। देखिए इस तरह से बादी बना के मैंने तैयार कर ली है। दोनों में ये बादी लगानी है जो निशान लगाए हैं 3 3 इंच के, तो ये बराबर लगेंगे। अब ये पट्टी है और ये देखो चैन वाली पट्टी, मैंने दोनों तरफ कपड़ा लगा के जो 25 इंच की पट्टी की चौड़ाई थी उतनी चौड़ाई इसकी चैन वाली की बढ़ा ली है। अब इसका भी बीच सेंटर में निशान लगाना है चैन वाले हिस्से में। ये जो चैन वाला हिस्सा है इसके भी बीच में निशान लगाना है दोनों तरफ। ये देखो दोनों साइड मैंने बीच में चैन है और इसके सेंटर में निशान लगा दिया है। और चैन के आगे पीछे छोटी छोटी पट्टी लगा के मैंने ये इसमें दोनों तरफ जोड़ दिए, ताकि चैन को बंद करें और खोलने तो ये पकड़ने के काम आए। और चैन की चौड़ाई आपने देख ली मैंने किस तरीके से बढ़ाई है। अब जो पट्टी है
दोनों तरफ वो मैंने जोड़ दी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है टोटल 41 इंच है। तो चैन की पट्टी और वो वाली पट्टी 25 इंच वाली दोनों को मैंने एक साथ जोड़ के एक बना लिया है। अब जो चैन का बीच सेंटर पे निशान लगाया था और 12 इंच वाले पीस पे जो बीच सेंटर पे लगाया था दोनों बाधियों के बीच में, उन निशानों को मिला के और चारों तरफ ये पट्टी सील देनी है। इसमें ध्यान रहे जो हमारा मेन कपड़ा है वो बीच में होगा और जो इनर का कपड़ा है वो ऊपर नीचे होगा। तो इस तरह ये चारों तरफ सील देनी है। सीलने के बाद दूसरा 12 इंच वाला पीस लेना है, उसके भी बीच सेंटर में हमने निशान लगाया है और चैन वाली पट्टी पे निशान लगाया है। दोनों निशान को मिला के फिर से इसको भी चारों तरफ से सील देना है, जैसे पहले वाला पीस की सिलाई करी है ठीक उसी तरीके से दूसरे पीस की भी सिलाई करनी है। ये देखो सिलाई करने के बाद अब जो ये इसके सिलाई वाले हिस्से हैं इस पे मैं एक पट्टी लगा के इनको मैं गुम सिलाई में इस पे पट्टी लगा के गुम सिलाई कर दूंगी। तो चारों तरफ से मैंने पट्टी लगा के इस सिलाई को गुम सिलाई बना दिया। अब बैग को मैंने कर लिया सीधा। सीधा करने के बाद देखो बैग आपको इस तरीके से दिखेगा, जो वाटरप्रूफ बैग भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि इसमें अंदर फोम इतना मजबूत लगाया है कि अगर आप कहीं जाओ और सामान वगैरह लेके जाओ, बारिश आ जाए या पानी गिर जाए, तो ये वाटरप्रूफ बैग बन गया हमारा। देखिए इस तरीके से अब बड़ा छोटा साइज़ बना।